श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना से जंग आकाशवाणी के संग। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके लिए हर दिन कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं कि कैसे हम इस समस्या से, इस वायरस के संक्रमण से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम आजकल अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, और घरों में होने की वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें अक्सर हो रही हैं। और चूंकि अस्पताल जाना आज की डेट में उस तरह से संभव नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके आसानी से हम उन समस्याओं का निवारण घर में ही कर सकते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं हड्डियों से संबंधित जो हमें हो सकती हैं, और उन समस्याओं का निवारण हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं, ये सारे कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनकी आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय यादव जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स IMS BHU में। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी, धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। संजय जी, अभी जब लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है, इस स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो घर में किस तरह कैद रहे। भाई घर में लगातार 2 महीने होने जा रहे हैं और लोग इतने दिनों से घर में ही, कोई कहीं बाहर नहीं आ रहा है ना कहीं जा रहा है, बस जो कुछ आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भले ही वो अपने घर से निकल करके थोड़ी दूर पे जा करके और जरूरी सामान को घर ले आता है, बाकी के समय में वो घर में ही बंद है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लगातार घर में बंद होने की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे काम जो हम बाहर जाके करते थे आजकल हम अपने घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्योंकि अमूमन जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो हमारा एक सेटअप होता है, हम कुर्सी और मेज लेकर के अपने कंप्यूटर को सामने रख करके और एक पोस्चर में बैठ करके अपना काम करते हैं। बट जब हम घर में बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं तो कभी कभार हम लैपटॉप को उठा करके और बेड पे बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं या जमीन पे बैठ करके अपना काम करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं बैठने की वजह से, मतलब अगर हम सही तरीके से नहीं बैठे, गर्दन को सही एंगल पे नहीं रखा, तो इस स्थिति में हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? हाँ, तो ये बहुत आपने सही बात बताई कि लॉकडाउन के हर चरण के खत्म होने के बाद लोगों को इंतजार रहता है कि आगे क्या होने वाला है, और निश्चित ही ये सबके लिए बहुत अप्रत्याशित है कि इतना लंबे समय तक इसको बढ़ाना पड़ गया है और अभी भी आगे क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत रखना है, जितना मजबूत अभी है उससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो शरीर के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को इफेक्ट कर सकता है, आपके मन मस्तिष्क और मेंटल स्टेटस को इफेक्ट कर सकता है, आपकी आंखों पे दुष्प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपकी जो दैनिक नींद की प्रक्रिया है, स्लीप आपका है, उसकी साइकिल में बदलाव हो सकता है। लगातार बैठे रहने पर या लेटे रहने पर आपकी गर्दन, कंधे, हाथ, कलाइयां, उंगलियां, इन सब में दर्द हो सकता है। इसके अलावा बैठे बैठे कुछ कुछ खाते पीते रहते हैं, इससे आपके जो खाने का बिहेवियर है, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है, वजन बढ़ना है, इस तरीके की समस्याएं भी हो सकती हैं, चल नहीं पाते हैं, कसरत नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से बाकी सारे शरीर में भी डिसबैलेंस हो सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, BP की शिकायतें, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम अपने अस्थिरोग विभाग और हड्डी से रिलेटेड और मांसपेशियों से रिलेटेड इसको समझने की कोशिश करें तो आपकी मसल्स और जो जोड़ हैं आपके उनमें प्रभाव हो सकता है, उनका लचीलापन कम हो सकता है। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर का माउस है उसको इस्तेमाल करने से आपकी उंगलियों के जोड़ वगैरह की तकलीफें, शिकायतें, और उन जोड़ों में जो नाजुक जोड़ होते हैं हाथों और उंगलियों के, उनमें तकलीफें बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार कंधे का अलग ज्यादा इस्तेमाल या अपने गर्दन की मांसपेशियों का ज्यादा इस्तेमाल करने से स्पॉन्डिलोसिस और इस तरीके की समस्याएं, ये सारी चीजों में बढ़ोतरी हो सकती है। स्क्रीन का आपका समय बढ़ जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका घर पे टेलीविजन हो, तो इससे आपकी जो आंखों पे है उसमें जोर पड़ता है, आंखों में सूखापन, ड्राई आईज हो सकती है, आंखों का डिस्कम्फर्ट आपका बढ़ सकता है, और ओवरऑल आपका जो पूरा शारीरिक संरचना है उसमें आपका ऑक्यूपेशनल जो आपका काम है, काम से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती हैं, आपका अपना जो पर्सनल आपका निजी जीवन है उसमें बदलाव आ सकता है, आपका सोशल बिहेवियर और इन सारी चीजों में बदलाव इसकी वजह से आ सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो लॉकडाउन की वजह से हम जिनका सामना कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, तो पोस्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं, चूंकि हम हड्डी से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करना चाहेंगे विशेष तौर पर, तो जैसे कि आपने बताया कि टेलीविजन अधिक देर तक देख रहे हैं, तो कभी बैठ करके देख रहे हैं तो कभी लेट करके देख रहे हैं, मतलब एक स्थिति में काफी देर तक बैठे रहना या लेटे रहना,
और गर्दन को कभी एक हाथ पे टिका लिया, एक साइड से करवट ले ली और टीवी देख रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपने बताया स्पॉन्डिलोसिस है या पीठ का कमर का दर्द है, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। इनसे बचाव कैसे किया जाए? अगर इस तरह की कोई समस्या किसी को हो रही है तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को आज के समय में? तो इसमें सबसे पहले तो हम अपना जो ऑफिस का या काम है, काम के रिलेटेड बातें पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि वो ज्यादा आवश्यक है। तो उसमें कोशिश करें कि जिस तरीके का माहौल आपके ऑफिस में था उसी तरीके का आप अपने घर में, भले ही वो वैसा टेबल नहीं हो लेकिन छोटा टेबल चेयर अगर आप स्टडी टेबल और अपना एक वर्क टेबल को बना सकते हैं एक अपना शांत कमरे में। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो आपका ऑफिस का समय रहता है साधारणतया उसी समय में आप अपने घर में भी काम करें ताकि आपका जो रिदम है वो बना रहे। घर पे रहने का नहीं है कि अगर आपका ऑफिस काम सुबह है तो उसको आप अपने समय के अनुसार या अपने कंफर्ट के अनुसार करें, तो इससे एक आपकी नेचुरल जो साइकिल है और आपका जो बायोलॉजिकल रिदम है वो बनी रहती है। दूसरा, थोड़े बहुत उठने बैठने के तरीके हैं, कुर्सी जो आपकी है उसका बैक रेट रहना चाहिए, उसमें बैक सपोर्ट आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्दन का सपोर्ट होता है उसके लिए ले सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करने का टेबल है तो उसमें आर्मरेस्ट अगर नहीं है तो उससे आपको फायदा रहता है, उससे आपके नहीं तो एल्बो और शोल्डर से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ता है, बिना आर्मरेस्ट की कुर्सी जो है वो कंप्यूटर पे काम करने के लिए ज्यादा सुटेबल होती है, इससे आपके एल्बो पे जोर नहीं पड़ता है। दूसरा, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो आपकी आंखों के लेवल के बराबर होनी चाहिए, और अगर उसकी जो दूरी निश्चित करनी है तो आप समझें कि एक हाथ की दूरी कम से कम आपकी स्क्रीन और आपकी आंखों के बीच में होनी चाहिए। काम करते वक्त गर्दन आपको अपनी सीधी रखनी चाहिए। दूसरा है कि लगातार बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, जैसे अगर आप एक घंटे बैठे हैं तो एक घंटे में आप 10 से 15 मिनट बीच में उसमें ब्रेक ले सकते हैं, अपनी पलक झपक सकते हैं या उठ के अपने घर में 2-4-5 कदम टहल सकते हैं, तो इन सब चीजों से जो दुष्प्रभाव है वो कम होते हैं। इसके अलावा नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं जो गर्दन की एक्सरसाइजेज या बाकी बहुत सारी चीजें जो आप अगर सुबह शाम अपना करेंगे और मसल की स्ट्रेंथ और मेंटेन रखेंगे तो उससे इन सब चीजों में आराम मिलता है। दूसरा, इसमें और मैं बताना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उसको अपने डेस्क से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए, उसको आगे या पीछे टिल्ट नहीं करना चाहिए, कोशिश ये करें कि सामने आपके स्क्रीन जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर फॉलो किया जाएगा तो इन सब चीजों में आसानी रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो रही बात वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए जो घर में बैठ करके अपने ऑफिस का काम आजकल कर रहे हैं, लॉकडाउन में उनके लिए हड्डियों की समस्याएं ना हो उसके लिए वो इस तरह के उपाय अपना सकते हैं जो आपने बताए हैं। अच्छा, एक सबसे कॉमन समस्या है और आमतौर पर हमारे बुजुर्गों में पाई जाती है जो है घुटने का दर्द, कमर का या कूल्हे का दर्द। लॉकडाउन के पहले लगभग चूंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता था, कोई इस तरह की पाबंदी नहीं होती थी, तो लोग सुबह शाम पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए या मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने के लिए निकल जाते थे और शरीर थोड़ा एक्टिव रहता था, तो घुटने का दर्द या कमर का दर्द इस तरह की जो समस्याएं थी उनसे भी काफी हद तक हमारे बुजुर्ग बचे रहते थे। आज की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के लगातार बढ़ने की वजह से अब चूंकि पार्क में जाना मना है, एक साथ गैदरिंग नहीं हो सकती, तो एक्सरसाइज जो है वो काफी कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो बुजुर्ग हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट रूप से कहना है और जो मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश आते हैं उनमें भी ये कहा जा रहा है कि 65 वर्ष की आयु से अधिक के जो व्यक्ति हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो अपना रूटीन क्या रखें, किस तरह वो अपने आप को एक्टिव रखें कि उनको कमर का दर्द या घुटने का दर्द जो पहले था और एक्सरसाइज करने की वजह से या मॉर्निंग वॉक करने की वजह से नहीं होता था, बचे रहते थे, वो घर में क्या तरीके अपना सकते हैं ताकि वो उसी तरह से फिट रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु उठाया है। तो देखिए, जो बाहर टहलना और पार्क का जो पहले कसरत करना और सब ग्रुप में करना उससे थोड़ा मनोबल भी बढ़ा रहता है, वो सारी चीजें तो इस माहौल में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा अपना जो दिनचर्या है सुबह उठना और रात को सोना वो सब नियंत्रित किया जा सकता है। थोड़ा बहुत जहां तक कसरत की बात है तो कसरत बहुत सारी ऐसी भी कसरत होती है जो हम घर पे भी कर सकते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, वो यूजली फिजियोथेरेपी वाले जो सिखाते हैं वो आप बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आप लेटे हुए हैं तो भी अपना समय निकाल के 10-15 मिनट 20 मिनट सुबह शाम दिन में 2 बार कर सकते हैं, जो घुटने की कसरत है ये सारी करी जा सकती है, जो बहुत ही कॉमन, अगर घर के आसपास भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कोई है तो आपको बता सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेट या कंप्यूटर पे भी ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, और नॉर्मली जिन्होंने भी कभी दिखाया उनको ये कसरतें बताई होती हैं। उसके अलावा जो घर में आप कर सकते हैं कि घर में आप अपना कुछ ऐसा घर की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि आपको घर में ही 10 कदम आगे पीछे टहलने का एक छोटा सा कॉरिडोर मिल जाए, तो जिसको लिटिल वॉक करके बोलते हैं, तो आप उसमें अपना आगे पीछे करके चक्कर लगा सकते हैं। इसी तरीके से घर की जैसे अगर छत वगैरह है तो छत में गोल चक्कर आप अपना काउंटिंग के साथ लगा सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जिस तरीके से, तो जिसको राउंड वॉक का छोटा सा नाम दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे घर पे कसरत वगैरह करी जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपके जन
जनरल शरीर की एक्टिविटी को बनाने के लिए है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सांस लेने की कसरत वगैरह कर सकते हैं, जिससे भी आपके शरीर का पूरा लचीलापन बना रहता है और ये सारी चीजें जो है इनमें कमी आती है। तो बुजुर्ग लोग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनको घुटने की तकलीफ है या कमर में दर्द रहता है या इस तरह की कोई भी समस्या है, बेहतर है कि वो थोड़ा सा समय निकाल करके और अपने घर के आसपास या घर में ही अगर कोई कॉरिडोर है, छत है या थोड़ी सी जगह है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव रहने के लिए, घूमने और टहलने के लिए। जी 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 जी। और दूसरा आपने बताया कि योग है, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, ये सारी चीजें करके भी वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। अपने आप को फिट रखना है, जी जी, अपने आप को व्यस्त रखना है शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए हमने बात कर ली, हमने बुजुर्गों के लिए बात कर ली, जी जी। महिलाएं जो है वो घर में इस समय सबसे सक्रिय सदस्य की भूमिका में हैं। जी जी। चूंकि लॉकडाउन में पूरा का पूरा परिवार घर में है, तो ऐसे में डिमांड्स जो हैं वो खाने पीने की चीजों की वो बढ़ जाती हैं। जी जी। कभी होता है कि भाई सुबह नाश्ते में ये चाहिए, दोपहर के खाने में ये चाहिए और रात के लिए डिनर में ये चाहिए। तो इस वजह से महिलाओं को आम तौर पर जितना व्यस्त वो रहती थी उससे कहीं अधिक व्यस्त रहना पड़ता है आज के समय में। जी जी। हालांकि कई जगह देखने में ये भी आ रहा है कि जो पुरुष हैं वो भी बराबर की भूमिका निभा रहे हैं, महिलाओं के साथ सहयोग कर रहे हैं किचन में, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब महिलाओं के ऊपर दबाव अधिक है काम का, जी जी, तो उनको किस तरह से अपने आप को फिट रखना चाहिए, किस तरह से अपने कामों को अंजाम देना चाहिए, ताकि अमूमन जो समस्याएं उनको होती हैं अधिक देर तक किचन में खड़े रहने की वजह से या साफ सफाई झाड़ू पोछा लगाने की वजह से, कभी कमर में दर्द, कभी कंधे में दर्द, तो किस तरह से अपनी दिनचर्या को वो व्यवस्थित करें ताकि वो अपने दैनिक कार्यों को भी निपटाती रहें और अपने आप को फिट भी रख सकें। जी जी। तो ये भी एक बहुत ही इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें जैसे पहले भी हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं, निर्देश आते हैं या सरकार की तरफ से भी आता है कि ये एक ऐसा समय है कि और एक ऐसी जंग है जिसमें सबको मिलकर लड़ना है, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर हम इसको अपने सबसे पहले अपने घर में ही अप्लाई करें, अगर घर में आपके चार सदस्य हैं या छह सदस्य हैं या बड़ा परिवार है तो आठ सदस्य, दस सदस्य, आपको जैसे सबको मिलकर लड़ना है तो वैसे ही घर में भी आपको सबको मिलकर जब तक इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। तो इसमें जो आपने बताया कि सहयोग करना सबसे पहले सबसे आवश्यक है कि जो भी आपके घर में है, गृहिणी है, महिला है, उनका भी सहयोग किया जाए आवश्यक कामों में या नॉन एसेंशियल काम में, जितनी आप उनकी किचन में मदद कर सकते हैं। जैसे बाकी लोग होते हैं, कभी आपने सब्जी काट दी, कभी कुछ और हेल्प कर दी, बिस्तर सही करने में उनकी मदद कर दी, तो इन सारी चीजों से भी आराम मिलेगा। दूसरा, जहां तक काम का संबंध है, क्योंकि बहुत एवरेज घर में भी आजकल काम करने के लिए मेड्स वगैरह का सिस्टम है, तो ये सब भी ज्यादातर पर बंद है, तो इसकी वजह से भी जो काम का दबाव है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर झाड़ू पोछा लगाना है तो उसको स्टैंडिंग, जो आपका एक जमीन पे हाथ से घिसने वाली चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए, झाड़ू का हैंडल थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा झुकना ना पड़े। यही चीज पोछे के साथ हो सकती है, जिसमें हैंडल के साथ उसको खड़े खड़े वाइप कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों से इसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए और विशेष जरूरत है कि अपना खान पान का उनको अब विशेष ध्यान रखना है, परिवार वालों का तो ध्यान रखना ही है लेकिन उनको अपने आप का भी ध्यान रखना है। और खाने पीने का ये आपका जनरल लाइफस्टाइल में आ जाता है, हल्का हल्का भोजन खाना है, दूध लेना है, हरी सब्जियां लेनी है, बाकी इस तरीके से अपने सेहत का ध्यान रखना है। और ये बहुत बढ़िया मौका है जब बच्चों के स्कूल वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो जो बच्चे थोड़ी बड़ी उम्र में हैं और जो अपने घर में या बाहर के काम में मदद करा सकते हैं, तो उनमें भी एक ये कल्चर डेवलप करने का बहुत अच्छा समय है ताकि वो घर के कामों में भी अपने सब लोगों की मदद करें, जो आगे चल के भी उनपे उनकी हेल्प करेगा। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि महिलाएं अपने खाने पीने के समय को निर्धारित कर लें और क्या उनके लिए उचित है, वो उनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, अपने भोजन को किस तरह से संतुलित मात्रा में लें ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो घर की सबसे एक्टिव सदस्य हैं। अगर उन्हें किसी तरह की समस्या हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इससे पूरा परिवार प्रभावित होगा। डॉक्टर साहब, एक और बहुत कॉमन समस्या है जिस पर चर्चा करना आज बहुत आवश्यक है, क्योंकि होता क्या है, अमूमन घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो कभी कभार खेलने कूदने की वजह से या दौड़ भाग कर रहे हैं घर में, क्योंकि लॉकडाउन में इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी हुई है। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद या टेलीविजन देखने के बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय उनके पास बचता है वो घर में उधम मचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे कहीं गिर जाएं, कोई चोट लग जाए या घर का कोई सदस्य ही
मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वही अचानक से फिसल जाए, गिर जाए बाथरूम में और उसको पैर में, कंधे में या कोहनी में चोट आ जाए, तो अगर चोट अधिक है या हाथ पैर में अगर कहीं से चोट की वजह से कोई हाथ या पैर टूट गया है, उस स्थिति में तो हॉस्पिटल ले जाना ही एकमात्र विकल्प है, विशेषज्ञ को दिखाना और वहां से राय लेना ही उचित है। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, पैर या हाथ टूटा नहीं है और उसमें दर्द काफी हो रहा है, चोट लग गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार क्या अपनाने चाहिए ताकि हमें हॉस्पिटल भी ना जाना पड़े और ये जो समस्या है इसका निवारण हम घर में बैठ के ही कर सकें। ये भी एक काफी जरूरी है, क्योंकि जैसे सड़कों पे तो ट्रैफिक और गाड़ियां कम चल रही थी, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल सड़क पे जो एक्सीडेंट हो रहे थे उनकी संख्या में तो कमी आई थी, लेकिन जो घर की समस्याएं हैं जैसे फिसल के, बूढ़े बुजुर्ग आदमी का गिरना, बच्चे खेलते खेलते गिर गए, तो ये सारी समस्याएं फिर भी कभी कभार आ जा रही हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई बुजुर्ग गिर गया है और गिरने के बाद उठ के चल नहीं पा रहे हैं तो उनको तो इमरजेंसी में ले जाके दिखाना और विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है, जैसा आपने बताया। दूसरा, अगर लग रहा है कि साधारण मोच है, हल्की फुल्की सूजन आ गई है इस तरीके का, तो इसके लिए घर पे जो इलाज है तो उसको ऊंचा रखना, तकिया पे उसको उठा के रखना ताकि सूजन कम हो, बर्फ का आइस पैक जो है वो लगा सकते हैं, कोई घर पे पुरानी गर्म पट्टी वगैरह अगर है तो वो बांध सकते हैं जिससे थोड़ा सा सूजन में कमी आए, आराम शरीर के उस भाग को आराम देने की जरूरत है। जैसे अगर पैर में लगी है तो उसको तकिया पे पैर को ऊंचा रखना है, गर्म पट्टी बांधनी है, बर्फ की सिकाई करनी है। उसके अलावा कोई पेन किलर वगैरह है जो अमूमन सभी घरों में कुछ ना कुछ कभी अवेलेबल हो जाती है तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ओवर द काउंटर भी ड्रग्स हैं जो साधारण पेन किलर आपको केमिस्ट शॉप पे जाने के बाद भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर लगे कि परेशानी ज्यादा है तो फिर विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की वजह से, इसके संक्रमण की वजह से पूरे देश में या यूं कहें कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन जो अभी लागू है, इसमें इसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो संक्रमण है आने वाले दिनों में इसका प्रभाव कैसा होगा और हमें इससे बचाव के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में जिस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, हम उन निर्देशों को तो अपने दैनिक जीवन में अपना ही रहे हैं, उसके अलावा ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रह सकें और लॉकडाउन का जो सदुपयोग है वो हम किस तरह से कर सकते हैं? जी, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास बहुत काफी सारा समय है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इससे बेहतर है कि अपने का खाली समय और दिमाग का सदुपयोग किया जाए। तो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप अगर किसी प्रोफेशनल में है या कुछ अपने आप को आप अपडेटेड कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहे हैं, वेबिनार चल रहे हैं, या उसके अलावा भी आप अपनी कोई नया स्किल, नई कला कोई सीखना चाहते हैं, कोई नई हॉबी है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ड्रॉइंग, पेंटिंग और उनकी भी शायद कुछ कुछ बच्चों की भी दिनचर्या नियमित करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस टाइप की शुरू, उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अपना मन बहलाने के लिए या पूरे सपरिवार अपना फैमिली का एक माहौल बनाने के लिए और फैमिली का जो एक जोड़ होता है, बॉन्ड होता है, उसको और मजबूत करने के लिए इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। उसमें आपका अगर हल्का फुल्का में आप माने तो लूडो हो सकता है, थोड़ा सा मानसिक कसरत करनी है तो चेस का खेल हो सकता है और कैरम है जैसे, ये तो ये सारे गेम्स आप इंडोर में खेल सकते हैं। कुछ किचन में सहयोग कर सकते हैं, कुछ आपकी कुकिंग का शौक है पुराना या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं अपने फोन बुक में, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं हमारे बचपन के नए या साथ वाले जिनसे बातों की अगर आप सोचें तो सालों और जमाना बीत जाता है, तो उस तरीके से आप अपनी पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। अपने आजकल ऐसा है कि लोग अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते हैं कि अगल बगल में कौन रहता है, तो ये सारे एक मौके हैं जिसमें आप अपना बात करके बालकनी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं ताकि आपका मन लगा रहे अपनी। और शेड्यूल में दूसरा है कि अपने आप को संयमित रखना है, दिनचर्या अपने आप को उसी तरह रखनी है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में संयम नहीं लाएंगे सड़क पे चलने में, रहने में, काम करने में, दूसरे लोगों से दूरी बनाने में, तो ये फिर इसका बचाव मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बहुत जरूरी है। दूसरा है और अच्छी आदतों में डायरी लिखने की आदत है, सोने से पहले 5-10 मिनट अपने पूरी दिनचर्या लिख सकते हैं, अपने अगले दिन के कार्यों के बारे में लिख सकते हैं, अपने कुछ विचार अगर आपके हैं तो वो आप डायरी में लिखने के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इससे आपके विचार भी एक्सेस होंगे, अगर कोई मानसिक तनाव है तो वो भी इन सारे तरीकों से कम होता है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो आजकल बाहर हवा बहुत ताजी है तो थोड़ा सा फ्रेश एयर का आनंद ले सकते हैं, चिड़िया सुबह सुबह चहचहाती हैं तो उसकी आवाज सुन सकते हैं, तो ये सारी
चीजें हैं जो आप घर पे अपना कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय जैसे आयुर्वेद विभाग ने अपना अलग काढ़ा बनाने की विधि है, जिसमें हल्दी, अदरक, लौंग या काली मिर्च का इस्तेमाल, जो हमारे अमूमन हर तरीके से हर घर में होता रहता है, या अदरक की चाय है या तुलसी की चाय है या इस तरीके का, तो ये सारी रूटीन की चीजें हैं जिनको अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो ये हमारे सबके लिए फायदेमंद होता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, ये सारे वो प्रमुख उपाय हैं जिनको अपना करके हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने में या इससे जो जंग है हमारी इसको जीतने में हम काफी हद तक सफल हो सकते हैं। वक्त हो रहा है डॉक्टर साहब कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन खत्म होता नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो आकाशवाणी के जो श्रोता हैं नियमित तौर पर जो हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि कोरोना के इस संक्रमण काल में वो अपने आप को किस तरह से बचाए रख सकें? श्रोताओं को जो हमारा कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं उनको चलते चलते आपका क्या संदेश होगा? जो श्रोता सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी आदतें डालें, पढ़ने लिखने की आदतें डालें। किताबों का पढ़ने का चलन बहुत बंद हो गया, जो एक अच्छी आदत है। उसके अलावा सरकार के निर्देश आते हैं तो सरकार के साथ चलें, सरकार की मदद आपकी अपनी मदद है। बहुत सारी गाइडलाइंस है, डिजिटल आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है जो अपडेट है, तो मेरी यही रहेगी कि ये जो आपके हैं ये आपके फायदे के लिए है, ये सब करना चाहिए। और जनता को अपना, हमारी हजारों वर्षों की संस्कृति है तो हमें अपना मनोबल कम नहीं करना है। और जो लॉकडाउन के बाद भी अगर आता है तो ये एक्चुअली आप समझिए कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये अब इसको धीरे 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 करके खुलने की प्रक्रिया है। तो इसमें आप जितना संयम बरतेंगे, जितना अपने व्यवहार में चेंज लाएंगे, उतना जल्दी हम इससे मुक्ति पाएंगे। और जैसा बाकी देश के माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, स्वदेशी को अपनाना है अपने, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे जो बुरा असर पड़ा है उससे भी इम्प्रूवमेंट होगी और जो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है उससे उभरने में भी हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि मैं BHU से हूँ तो यहाँ टेलीमेडिसिन विभाग हमारा काम कर रहा है, उसके सारे फोन नंबर, अमूमन सारे के सारे विभाग ऑलमोस्ट टेलीमेडिसिन की सेवा पे उपलब्ध हैं, तो इससे भी क्योंकि मरीजों में भी जो भय है बट अपनी बात कह के परामर्श लेने का वो है, तो वो सुविधा आपको उपलब्ध है। और उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज है वो 24 घंटे यहाँ पर चली रही है, तो किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसमें ना मदद लेना या परामर्श लेना ना भूलें। बाकी आप अपना सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर संजय यादव जी, आपने हमारे श्रोताओं को लॉकडाउन के सदुपयोग के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को कम कैसे कर सकते हैं हम, और लॉकडाउन की वजह से, घरों में कैद होने की वजह से आमतौर पर हड्डियों की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं उनके प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके हम अपने हाथ पैर या सर में होने वाले दर्द को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। आपने हमें समय दिया, लॉकडाउन के बारे में हमारे श्रोताओं को आपने जागरूक किया, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, नमस्कार। We'll be right back.